सावधान सावधान सावधान। ओडिशा में दाना तूफान दस्तक देने वाला है। दाना तूफान के खतरे को देखते हुए ओडिशा और पश्चिम बंगाल सरकार ने खास तैयारी की है। शुक्रवार तक के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, ट्रेन और उड़ान सेवाएं भी रद्द है। दाना तूफान का असर इस वक्त कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। तूफान के चलते असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, कर्नाटक और तमिलनाडु के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट पर दाना तूफान के गंभीर प्रभाव की आशंका के मद्देनजर भारतीय नौसेना मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। पूर्वी नौसेना कमान ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में नौसेना अधिकारियों के साथ तालमेल कर एक बेहतर सिस्टम तैयार किया है। BVY यानी कमान बेस विक्ट्रलिंग यार्ड, मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन और नौसेना अस्पताल INHS कल्याणी जैसी इकाइयों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है, ताकि राज्य प्रशासन की तरफ से आपात स्थिति में मदद मांगे जाने पर आवश्यक आपूर्ति और चिकित्सा सहायता मुहैया करा सके। दाना चक्रवाती तूफान को सीवियर साइक्लोन की श्रेणी में रखा गया है। ये अब ओडिशा के तट से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर फिलहाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा है। तूफान के साथ घने बादल भी समुद्र से तट की तरफ बढ़ रहे हैं। ओडिशा में भद्रक के धामरा में दाना तूफान की वजह से तेज हवाएं चलने के साथ ही बारिश भी हुई है। दाना के 24 से 25 अक्टूबर के बीच ओडिशा पश्चिम बंगाल तट पर पहुंचने की उम्मीद है। दाना तूफान को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने कहा कि हम अब संकट की घड़ी में हैं। चक्रवात दाना निकट आ रहा है, लेकिन बंगाल में हमने कई तूफानों का सामना किया है और इसका भी सामना आत्मविश्वास और धैर्य के साथ करेंगे। बंगाल एक साथ खड़ा होगा और हम जीतेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कृपया सरकार और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी सभी निर्देशों का पालन करें। राज्य सरकार और भारत सरकार की सभी आपदा प्रबंधन मशीनरी अच्छी तरह से तैयार है और अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें, सेना वहां पर पूरी तरह से मुस्तैद है और पुलिस जो है वो लोगों को जो सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में भी एक्टिव मोड पर काम कर रही है। स्पेशल रिपोर्ट पत्रिका। सावधान सावधान सावधान।